Hello students, today we are continuing with our lecture on nationalism in India, which we left in the last lecture. So students, we had studied about the non-cooperation movement. Now today we are learning the civil disobedience movement. Now students, before the civil disobedience, we need to understand what happened right after the non-cooperation movement. So that we are first of all understanding here. तो देखिए स्टूडेंट्स, वी वेर ऑन पेज नंबर 38, राइट. तो इन फेब्रुवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यू नो, बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट. तो इसके बाद देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी. देखिए हुआ क्या था स्टूडेंट्स, कि ये जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उसमें से दो लीडर्स स्पेशली चित्रंजन दास, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के फादर, दे फॉर्म द स्वराज पार्टी. और इनका एक ही पर्पस था टू कॉन्टेस्ट एंड फाइट फॉर Rights of Indians in Imperial Council elections. Imperial Council elections क्या होते हैं students? Imperial Council elections मतलब elections जो Britishers करवाते थे India में, और उसके अंदर वैसे तो Congress party कभी participate नहीं करती थी, क्योंकि गांधी जी बोलते थे इन सबको boycott करो. लेकिन चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू को लगने लगा कि हो सकता है कि अगर इंडियन लीडर्स ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट के अंदर अगर इलेक्ट होके इंडियन के राइट्स डिमांड करें, तो शायद ब्रिटिशर्स राइट्स दे दे. तो दिस वाज अ न्यू वे ऑफ फाइटिंग फॉर इंडिया फ्रॉम विद इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो ये इन्होंने स्वराज पार्टी इसी पर्पज के लिए बनाई थी, और एक बार तो ये इलेक्शन जीत भी गए. लेकिन After death of Chittaranjan Das, Swaraj Party lost elections, and after that ये कभी ऊपर नहीं आ पाई. ठीक है, अब इसी बीच देखिए एक दूसरी बात हुई, और वो बात थी साइमन कमीशन. साइमन कमीशन अंडर सर जॉन साइमन केम टू इंडिया इन 1928 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स. लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं रखा गया, सो नो इंडियन मेंबर वॉज देयर इन दिस पार्टी, जिस वजह से कांग्रेस बॉयकॉटेड इट विथ ब्लैक फ्लैग्स. ये देखिए स्टूडेंट, साइमन कमीशन जो है ये सर जॉन साइमन इसके हेड थे, और ये 1928 में इंडिया में आए थे दो पर्पसेस के लिए. एक था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी इंडिया के अंदर जो आईएएस के एग्जाम्स होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उसमें इंडियंस का कोटा इंक्रीज करना, और दूसरा था जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी इंडियंस के ऊपर जो इंडिया में केस होते थे वो ब्रिटिशर्स के लॉ के हिसाब से केस होते थे, तो उनको केसेस को इस तरह से बनाना कि इंडियंस के लिए वो थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फियर बन जाए कोर्ट्स में. लेकिन ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो दिखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने बोला कि हमको भी इस कमिटी में हिस्सा दो, तो ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया. तो ये किस तरह का आप काम करना चाहते हो भाई, इंडियंस की भलाई के लिए आप कमीशन भेजते हो और इंडियन मेंबर्स को ही उस कमीशन में लेने से मना करते हो.
तो ये तो मतलब धोखा है। तो कांग्रेस बॉयकॉटेड दिस कमीशन विथ ब्लैक फ्लैग्स। सो प्लीज नोट डाउन दिस। स्टूडेंट्स नहीं नोट डाउन किया हो तो जरा पॉज करके कर लीजिएगा, बिकॉज आई नीड टू गो फॉर नाउ। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वी हैव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। In 1929, अब स्टूडेंट्स ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिशर्स उन कंट्रीज को देते थे जिन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे होते थे। तो ब्रिटिशर्स ये एक तरह से कंट्रीज को शांत करने के लिए इनकी एक चाल थी। इन्होंने क्या सोचा कि इंडियंस को अगर हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तो इंडियंस अपने आप अपने मूवमेंट्स बंद कर देंगे। बराबर, डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि फाइनल डिसीजन आर टेकन बाय द वायसराय, लेकिन जो इंडियंस है वो अपने अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इंडियन लीडर्स जो इंडियन पब्लिक सिलेक्ट करेगी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पावर नहीं होगा। और वायसराय जिसको इंडियन पब्लिक सिलेक्ट नहीं करती है उसके पास पावर होगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सो दिस काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस वॉज गिवन टू इंडिया इन 1929, ठीक है। और इंडियंस ने इसके सामने कॉल फॉर पूर्ण स्वराज, दिस इज वॉट गांधी जी सेड दैट वी डोंट वॉन्ट डोमिनियन स्टेटस, वी वॉन्ट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कॉल दिया था जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने ये कॉल दिया। और इस कॉल के हिसाब से 26th January was to be celebrated as Independence Day every year, ठीक है। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, 1930 में इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, लेकिन गांधी जी का ये तरीका था कि भले इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाए लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, ब्रिटिशर्स को ये दिखाना कि आपके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। हम आजाद है, हम खुद को आजाद मानते हैं। तो 26 जनवरी हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता था बिफोर द एक्चुअल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो प्लीज नोट डाउन। Now students, we are coming to the salt march.
सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो पहली चीज गांधी जी ने लॉन्च की वो थी सॉल्ट मार्च, जिसको बोलते हैं दांडी मार्च। ठीक है, सो स्टूडेंट्स द दांडी मार्च, अब इसमें देखिए 11 डिमांड्स वेर सेंट टू वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। अब इसमें से वन डिमांड वॉज टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, तो गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड, सो दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन 11th अप्रैल, सॉरी 11th मार्च एंड एंडेड ऑन 6th अप्रैल, बराबर। ये स्टार्ट हुआ था साबरमती अहमदाबाद एंड इट एंडेड ऑन 6th अप्रैल एट दांडी नवसारी। ठीक है, 240 miles ऑन फुट वेर कवर्ड बाय ऑल द सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग गांधी जी इन 24 days। ठीक है, और गांधी जी ने जानबूझ के हाईवे का रास्ता नहीं लिया, गांव का रास्ता लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवमेंट में जुड़ सके। गांधी जी रोज सिर्फ 10 miles चलते थे और एक एक गांव में स्टॉप होके अपने पर्पस को एक्सप्लेन करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें उन्होंने शामिल किया। नाउ इन दिस दांडी मार्च एक चीज खास करके आपको समझनी है कि ये दांडी मार्च के टाइम पर जब ये 6th अप्रैल पर पहुंचे तो ही मैन्युफैक्चर्ड इज ओन सॉल्ट बाय बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, राइट। सो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें पीपल डिसोबेड लॉज पीसफुली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ सॉल्ट फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिश सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने प्रोटेस्ट किया गया और इंडियन सॉल्ट फैक्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट किया गया। नाउ एज दिस मूवमेंट स्प्रेड, तो फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू, चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल्स वायोलेटेड द फॉरेस्ट लॉस। नाउ वरीड बाय दीज डेवलपमेंट्स, इसमें एक वेल अब्दुल गफर खान ये अरेस्ट हुए अप्रैल 1930 में, तो पेशावर इंसिडेंट जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है, इसमें बहुत सारे लोगों पे फायरिंग की गई, ब्रिटिशर्स ने फायरिंग की। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो मंथ लेटर व्हेन गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, तो शोलापुर में बहुत सारे लोगों ने इस पर अटैक किया ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स पर, तो इसपे भी गवर्नमेंट ने 1 lakh सत्याग्रही को अरेस्ट कर दिया और उनको वर्स्ट काइंड ऑफ टॉर्चर किया गया। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी किसी भी तरह के वायोलेंस के खिलाफ थे, चाहे वो हम करें चाहे ब्रिटिशर्स करें। गांधी जी ने फिर से ये मूवमेंट बंद करवा दी, जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद करवाया था, तो ये मूवमेंट भी गांधी जी ने बंद करवाई बिकॉज ही डिसलाइक्ड वायोलेंस, चाहे हमारी तरफ से किया जाए या ब्रिटिशर्स की तरफ से। गांधी जी स्टॉप दिस मूवमेंट एंड ही एंटर्ड इन टू अ पैक्ट विथ गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5th मार्च 1931 को, जिसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के 11 में से
10 डिमांड्स मान ली है, सिर्फ एक डिमांड इंडिपेंडेंस का नहीं माना, 11 में से 10 डिमांड्स माने, और वो एक इंडिपेंडेंस के डिमांड के लिए वाइसरॉय इरविन ने बोला कि इसके लिए आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करो। गांधी जी गए भी थे लंदन, बट क्वीन विक्टोरिया रिफ्यूज टू ग्रांट इंडिपेंडेंस, सो ही रिटर्न्ड होम एम्प्टी हैंडेड एंड ही अगेन रिलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, गांधी जी की ये चीज लोगों को पसंद नहीं आती थी, भाई पहले आप मूवमेंट चालू करते हो, लोगों में उम्मीद जगाते हो, फिर उसके बाद थोड़ा वायोलेंस हो आप मूवमेंट बंद कर देते हो, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने आपको बुलाया, भाई हम आपको इंग्लैंड भेज रहे, आप मूवमेंट बंद करो, आप उनकी बात मानते क्यों? आपने मूवमेंट बंद करवाई, आप इंग्लैंड गए, क्वीन ने आपकी बात नहीं मानी, अब अगेन आप मूवमेंट चालू करो, क्या लोग बार बार क्या नवरे बैठे हैं, क्या लोग रेडी है इस चीजों के लिए? ऐसा नहीं होता है। तो पीपल वेर नॉट रेडी टू ज्वाइन दिस मूवमेंट द सेकेंड टाइम। Now students, we are learning how the participants saw this movement. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे पहला जो ग्रुप था वो थे पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट कम्युनिटी ऑफ यूपी। ये एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन में थे, लेकिन इनको क्या चाहिए था कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट ज्वाइन किया था। तो पहली बार तो इन्होंने काफी मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन फिर गांधी जी ने मूवमेंट बंद करवा दी, उसके बाद दे वर नॉट एंथुजियास्टिक। अब सेकेंड आता है इसमें पीजेंट्स। तो पीजेंट्स वेर against their landlords, बराबर। तो आप देखिए, अब landlords कौन है? जिनकी जमीनें हैं। peasants कौन है? जो उनकी जमीनों पे काम करते हैं। landlords peasants को पैसे नहीं देते थे regularly, तो peasants ने ये movement इसलिए join किया ताकि landlords उनको पैसे दें, और लैंडलॉर्ड्स ने मूवमेंट इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि गांधी जी लैंडलॉर्ड्स को भी फेवर करते थे और पीजेंट्स को भी, बराबर। गांधी जी को इस बात से मतलब था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले उसके लिए लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स दोनों ज्वाइन हो, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जब लैंडलॉर्ड्स ज्वाइन होते थे तो पीजेंट्स ज्वाइन नहीं करते थे, पीजेंट्स ज्वाइन होते थे लैंडलॉर्ड्स ज्वाइन नहीं करते, तो इन दोनों के बीच में इंटरनल क्लैशेस की वजह से भी मूवमेंट पे काफी फर्क पड़ता है। Now next is the business class. तो business और industries में, अब इसमें देखिए क्या हुआ। business और industries में FICCI, ये Federation of Indian Commerce, Indian Chamber of Commerce Industries, ये Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI, तो दे सपोर्टेड कांग्रेस, दे सपोर्टेड द मूवमेंट, बराबर। इसमें खास करके इंडियन इंडस्ट्रीज को भी चाहिए था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले और फॉरेन इंडस्ट्रीज का इन्फ्लुएंस इंडिया पे कम हो जाए, सो दैट इज व्हाई दे सपोर्टेड द मूवमेंट, बट द वर्कर्स डिड नॉट ज्वाइन। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम था, जो यहां पे एग्रीकल्चर में लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट थे, यहां पे वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो वर्कर्स डिड नॉट ज्वाइन एक्सेप्ट इन नागपुर एंड छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में वर्कर्स जो थे, डॉक वर्कर्स और रेलवे वर्कर्स, उन्होंने थोड़ा वहां पर ब्रिटिश बिल्डिंग्स को अटैक किया, बट अदरवाइज एट अदर प्लेसेस द वर्कर्स डिड नॉट ज्वाइन। अब इसमें एक और चीज आती है, द फोर्थ ग्रुप, दैट इज वुमेन। तो वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, बट
गांधी जी वॉज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब गांधी जी की इच्छा नहीं होती थी कि ज्यादा वुमेन ज्वाइन करे। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर्स में, लेकिन गांधी जी की इच्छा के बगैर। गांधी जी को यह चाहिए था कि वुमेन जो है वो हाउसवाइफ बनकर रहे। वुमेन को अगर वुमेन ज्वाइन करना है तो वो अपने घर के मेन को एंकरेज करे वुमेन ज्वाइन करने के लिए, वो खुद मेन की सिर्फ सेवा करे, ऐसा गांधी जी को चाहिए था। ये उनकी अपनी सोच थी। सो प्लीज नोट दिस डाउन। Now students, we are learning the limits of civil disobedience. अब students देखिए, इस मूवमेंट के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस थे। सबसे पहला ग्रुप था जो था अनटचेबल्स। जिनको बोला जाता था डिप्रेस्ड क्लासेस। अब ये इंडियंस के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स तो फिर भी हमको स्टेटस देते हैं, हिंदूज तो हमको स्टेटस देते ही नहीं। इसमें गांधी जी ने कॉल्ड देम हरिजन। ये गांधी जी ने इनके लिए थोड़ा अच्छा सिचुएशन किया बाय कॉलिंग देम हरिजन। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बराबर। इनके लीडर बी आर अंबेडकर, ही रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज। For Hindu Dalit unity, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया थोड़ा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि स्वराज्य अगर चाहिए तो डिप्रेस क्लासेस को हमारे साथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये, इनको गांधी जी ने ये भी बोला है कि स्वराज्य विल नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। इन्होंने ये भी बोला कि गांधी जी ने कि इनको टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स, टैंक, स्कूल्स, इन सब जगह पे इक्वल एंट्री मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो है, दे हैव वांटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। लोगों को ऐसा लगता था, इन लोगों को खास करके दलित्स को, कि जो लोग है वो हमको इतने टाइम तक टॉर्चर करते आए हैं, लोगों ने कभी हमको हमारा हक नहीं दिया है। आज जब ब्रिटिशर्स इनसे हक छीन रहे हैं तो ये हमारे पास आए हैं, हम इनका सपोर्ट क्यों करें। तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि खास करके ही ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लैश्ड विद द दलित्स। महात्मा गांधी जो है उनका दलित्स के साथ क्लैश इसी बात पर होता था, क्योंकि गांधी जी उनको खुद राइट्स देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के पार्टी के दूसरे लीडर्स दे वर नॉट रेडी, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मिन्स थे, वो खुद दलित्स को डिसलाइक करते थे। तो गांधी जी और उनके मेंबर्स के बीच में कई बार इस बात में बहस होती थी, एंड फाइनली दे रीच्ड द कॉम्प्रोमाइज विद बी आर अम्बेडकर, बिकॉज गांधी जी स्टार्टेड द फास्ट अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ मतलब गांधी जी ने फास्ट चालू कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट बी आर अम्बेडकर ने फाइनली उनकी मांगे मान ली कि ठीक है, हम आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से साइन हुआ द पूना पैक्ट।
बिटवीन कांग्रेस एंड दलित्स, और इसमें दलित्स वेर गिवन रिजर्वेशंस, और ये रिजर्वेशन स्टूडेंट्स आज तक दी जाती है। ये उस टाइम पर दलित्स को रिजर्वेशंस दिए गए, गांधी जी ने इनको बोला कि हम आपको ये रिजर्वेशन दे देंगे, और बी आर अम्बेडकर ने भी ने बोला कि हाँ ठीक है, ये रिजर्वेशंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से लेके 10 या 15 इयर्स तक रखे जाएंगे, जब तक दलित्स इंडिया के साथ इक्वल लेवल पर नहीं आते। लेकिन 10-15 साल तो दूर, अभी 80 इयर्स होने आए हैं इंडिपेंडेंस को, लेकिन अब तक ये रूल्स निकाले नहीं गए हैं। सो दैट इज ऑल्सो द केस विच वॉज देयर। तो ये थोड़ा अजीब लगता है ये सोच के कि अभी भी इंडिया में ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये दोनों ग्रुप्स के बीच में आज भी डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी को आज तक कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। तो ये बी आर अम्बेडकर ने खुद बोला था कि इंडिपेंडेंस के बाद 10-15 साल में इस पॉलिसी को कैंसिल किया जाए, या हमारे गांधी जी ने खुद बोला कि इसको कैंसिल किया जाएगा, लेकिन बाद के लीडर्स ने कैंसिल नहीं किया है, आज तक नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट इज द मुस्लिम ग्रुप, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग का देखिए प्रॉब्लम क्या है। सम ऑफ द मुस्लिम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर ऑल्सो ल्यूकवॉर्म इंडियन रिस्पॉन्स। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो इसमें 1920 में कांग्रेस वॉज मोर विजिबली एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये सिचुएशन वर्सिन होता गया। तो रिलेशंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सेंट एंड रायट्स टुक प्लेस। अब ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी एक बार 1928 में ऑल पार्टीज मीटिंग में M.R. जयकर he opposed strongly to any kind of unity। तो ये गांधी जी ने सोचा था कि ये 1928 में ये इस तरह का हिंदू और मुस्लिम्स का ज्वाइंट ग्रुप हम कर सकते हैं, लेकिन ये M.R. जयकर ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा इंसल्ट की, जिसकी वजह से ये M.R. जयकर के ये ऑपोजिशन और इंसल्टिंग एटीट्यूड की वजह से ये जो यूनिफिकेशन था हिंदूज और मुस्लिम्स का वो नहीं हो पाया। सो दीज आर द टू ग्रुप्स, और इसकी वजह से अपने ये दिस वॉज द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये ग्रुप्स ज्वाइन नहीं हो पाए। प्लीज नोट दिस डाउन। Now students, we are learning the fourth part, the sense of collective belonging. Collective belonging को ही कहते हैं sense of nationalism. तो देखिए students, sense of nationalism कहां से आता है लोगों के अंदर, ठीक है, ये collective belonging कैसे आती है लोगों के अंदर। तो एक तो चीज है इंडिया की हिस्ट्री जो काफी रिच है, फिक्शन, फोकलोर मतलब हमारे फोक टेल्स, मतलब हमारे ट्रेडिशनल टेल्स, फिर इसके अलावा हमारे सॉन्ग्स, प्रिंट्स एक्सेट्रा, ये हमारे इसको
नेशनलिज्म को बढ़ाते हैं इंडिया के। इसके अलावा इसमें आनंद मठ में आनंद मठ नॉवेल का एक सॉन्ग कॉल्ड वंदे मातरम वॉज एडॉप्टेड एज अवर नेशनल सॉन्ग। बराबर। ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर इनका जनगण मन ये बन गया इंडिया का नेशनल एंथम। ठीक है, तो जो नेशनल सॉन्ग है दिस इज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये देखिए इधर ये आनंद मठ से ये नॉवेल लिया गया था वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा ये दूसरा जो है इधर रविंद्रनाथ टैगोर का ये नेशनल एंथम जनगण मन। इसके अलावा भारत माता का पेंटिंग बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ कौन है? ये रविंद्रनाथ के बड़े भाई अवनींद्रनाथ, ये टैगोर के एल्डर ब्रदर है रविंद्रनाथ के। इन्होंने क्या किया कि ट्रेड भारत माता, बराबर, इनका इमेज बनाया था इन्होंने, काम कॉम्पोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इसके अलावा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमसेल्फ के नर्सरी राइम्स लिखे हैं, बलेड्स लिखे हैं, मिट्स लिखे हैं, विच लेड टू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। मद्रास में ये नतेशा शास्त्री है, बराबर, ये फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया, नतेशा शास्त्री ये फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया इन्होंने पब्लिश किया था। इसके बाद ट्राइकलर फ्लैग बंगाल में डिस्कस हुआ था, एट लोटसेस, एंड स्पिनिंग व्हील, बराबर, ये बंगाल में। अनदर मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बोला जाता है इंडिया को सोने की चिड़िया, और ये भी बोला जाता है कि इंडिया फिलोसॉफिकली और ट्रूथ वर्दी नेशन था। इंडिया का जो पीसफुल एटीट्यूड था उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग इंडिया में आके रहना चाहते थे। इंडियन किंग्स जो है वो फेमस थे अपने जस्टिस और सिक्युलर रूल के लिए। So all these things were also done to unify the people. So students, we are at the end of this chapter, the sense of nationalism. Next time we will start with the new chapter. Till then students, goodbye. And also just note down one instruction ki is chapter ke jo question answers hai wo hum डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, नोट्स में से ज्यादा पूछे जाएंगे। तो जो आपको नोट्स मिले हैं आप उसमें से क्वेश्चन आंसर्स लिखिएगा, एंड डोंट राइट द शॉर्ट आंसर्स, ओनली राइट द ब्रीफ आंसर्स एंड द लॉन्ग आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।